कि इस बार तख्ता पलट हो, यादवों का जो सीट रहा पारंपरिक सीतामढ़ी उस पर कुशवाहा जीते, वैसे जीते 2014-2019 में और 2024 में हो सकता है कि वो सीट एक ब्राह्मण नेता जीते। तो सीतामढ़ी तो यादवों का गढ़ रहा है, मैंने कई नाम गिनवा दिया, नागेंद्र प्रसाद यादव, सीताराम यादव, अर्जुन राय, हुकुमदेव नारायण यादव, नवल किशोर राय, तो और ये लोग दो दो तीन दिन बाद जीतने वाले सांसद रहे हैं। तो यादवों का गढ़ रहा है सीतामढ़ी, लेकिन उसमें सेंधमारी 2014 में कर दी गई। 2014 में वो सीट जो है वो चला गया रालोसपा को, और बीजेपी ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली उस सीट को दिया रालोसपा को। तो जो यादव का पारंपरिक सीट रहा सीतामढ़ी, उस पर बीजेपी ने सेंधमारी करके कोयरी को वहां से सांसद बनवा दिया, रालोसपा के मार्फत, उपेंद्र कुशवाहा के मार्फत राम कुमार शर्मा सांसद बन गए। माधव आनंद जो है, और उपेंद्र कुशवाहा का दौरा भी लगातार सीतामढ़ी होते रहता है, तो सीतामढ़ी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह ने वहां पर स्पष्ट तौर से कहा, मंच से भी कहा, मीडिया में भी कहा कि सीतामढ़ी में इस बार कमल ही खिलेगा। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के तारीख का ऐलान जल्द होने वाला है और हम लगातार बिहार के 40 लोकसभा सीट के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारी बातें सीतामढ़ी लोकसभा सीट के बारे में होंगी। सीतामढ़ी लोकसभा सीट जो कभी शांत सीट कहा जाता था, जहां पर हलचल बिल्कुल भी नहीं थी, अभी वर्तमान के दिनों में इस सीट को लेकर हलचल तेज है। देखिए, कई दावेदार हैं, कई पार्टियां जो हैं अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। सीतामढ़ी सीट को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। कई पार्टियां हैं, एनडीए में खासकर खलबली मची हुई है कि यह सीट हमारा है तो यह सीट हमारा है, आखिर यह सीट किसको जाने वाला है। हर प्रत्याशी जो है, देवेशचंद ठाकुर की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, और भाजपा के सुनील कुमार पिंटू भी जो है भाजपा के मतलब नजदीक आते हुए दिख रहे हैं, भाजपा के साथ उनकी बातें भी चल रही हैं, और नीतीश कुमार पर पहले भी हमलावर थे। क्या कुछ कहेंगे, आखिर यह सीट किसको? देखिए, किसको जाएगा ये तो एनडीए तय करेगा, लेकिन आपने जो कहा कि कई पार्टियों में इसको लेकर लड़ाई चल रहा है, पार्टी छोड़िए, एक पार्टी में दो प्रत्याशी हैं, पहले तो जदयू में, जदयू के सुनील कुमार पिंटू भी हैं और जदयू से देवेशचरण ठाकुर भी हैं, तो पहले तो जदयू ही तय करेगा कि वहां पे कौन लड़ेगा। सुनील कुमार पिंटू जो सिटिंग एमपी है वही प्रत्याशी बनाए जाएंगे, या देवेशचरण ठाकुर जो पोस्टर लगवा रहे हैं सीतामढ़ी में और पुनौरा धाम जा रहे हैं, माता जानकी के मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको तो नीतीश कुमार ने कह दिया है चुनाव लड़ने के लिए, तो पहले वो तय किया जाए। लेकिन उन सबसे पहले सीतामढ़ी, चूंकि आप सीतामढ़ी सीट की चर्चा कर रहे हैं, तो सीतामढ़ी सीट, और सही बात है, सीतामढ़ी सीट में बहुत हलचल नहीं हुआ करता था, सीतामढ़ी सीट को शांत सीट माना जाता था, और सीतामढ़ी सीट पर अगर आप पूछा जाए कि ये पारंपरिक रूप से हिस्टोरिकली किसका सीट रहा है, तो एक एक शब्द में इसका उत्तर है कि सीतामढ़ी यादवों का सीट रहा है, सीतामढ़ी यादवों का गढ़ रहा है। आप आजादी के बाद से सीतामढ़ी का जरा रगड़ उठाकर देख लीजिए, पहला चुनाव 1957 में हुआ, जेबी कृपलानी जीते वहां से, एकमात्र गैर कांग्रेसी थे जेबी कृपलानी, वहां से जीते। इसके बाद देखिए, तीन बार लगातार नगेंद्र प्रसाद यादव वहां से तीन बार लगातार सांसद बने, अभी 2009 में अर्जुन राय बने, यादव जाति से हैं, सीताराम यादव आप कह लीजिए, नवल किशोर राय वहां से दो बार जीते हैं जनता दल से। इसके बाद तो यादवों का एक जो दबदबा है उस सीट पर रहा है, हुकुम नारायण देव यादव बहुत बड़े नेता, समाजवादी नेता, तो सीतामढ़ी तो यादवों का गढ़ रहा है, मैंने कई नाम गिनवा दिया, नागेंद्र प्रसाद यादव, सीताराम यादव, अर्जुन राय, हुकुमदेव नारायण यादव, नवल किशोर राय, तो और ये लोग दो दो तीन दिन बाद जीतने वाले सांसद रहे हैं। तो यादवों का गढ़ रहा है सीतामढ़ी, लेकिन उसमें सेंधमारी 2014 में कर दी गई। 2014 में वो सीट जो है वो चला गया रालोसपा को, और बीजेपी ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली उस सीट को दिया रालोसपा को, ताकि जो यादवों का गढ़ कहा जाता है उस गढ़ को तोड़ा जाए, उस किला को भेद दिया जाए, और भेदा गया। रालोसपा से वहां प्रत्याशी कौन बनाए गए? राम कुमार शर्मा। किस जाति से आते हैं? कुशवाहा, कोयरी। तो जो यादव का पारंपरिक सीट रहा सीतामढ़ी, उस पर बीजेपी ने सेंधमारी करके कोयरी को वहां से सांसद बनवा दिया, रालोसपा के मार्फत, उपेंद्र कुशवाहा के मार्फत राम कुमार शर्मा सांसद बन गए। और फिर देखिए 2019 में जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए एनडीए गठबंधन से, तो वो सीट जेडीयू को गया, और जेडीयू से वहां पर कौन चुनाव लड़ा? सुनील कुमार पिंटू, साहू जाति से आते हैं, वैश्य हैं। तो यादवों का जो एक एक परंपरा चला रहा था उस सीट को लेकर लगातार, उसमें सेंधमारी कर दी गई, और अब वहां से सुनील कुमार पिंटू मौजूदा सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं वहां से।
तो इसी तरह अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी ने क्या स्ट्रेटेजी पर काम किया। अब देखिए सीतामढ़ी, चूंकि हम यादवों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा जाति समीकरण भी हमको समझना होगा कि सीतामढ़ी में क्यों यादव बार बार जीतते हैं। पांच छह नाम मैंने गिनाए जो दो दो तीन तीन बार सांसद बने, सभी यादव। अगर जाति समीकरण की बात करें तो सबसे अधिक जिस जाति की आबादी सीतामढ़ी में हो यादव जाति है। करीब हर पांच में से एक व्यक्ति जो वोटर है सीतामढ़ी का वो यादव है। 20% अकेले यादव जाति का वोट है जो एक मुश्त है। इसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी वो मुस्लिम है, 17% अकेले मुस्लिम है। तो ये जो 37% का आंकड़ा है तुम, ये अकेले एमओआई समीकरण बनाता है सीतामढ़ी में अकेले। इसके बाद आप अति पिछड़ी जातियों को गिन लीजिए, उसमें सभी जातियों को आप काउंट कर लीजिए जो ईबीसी में आती हैं, उनका आबादी करीब 20% है। इसके बाद कुशवाहा का भी आबादी वहां पे 7% है, सिर्फ कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूँ, पिछड़ा जाति में आता है, पिछड़ा समाज में आता है, कोई नीचे कहते हैं। दलितों की आबादी 19% है, और जो सवर्ण है इसमें सबसे अधिक ब्राह्मण वहां पर जो मिलेंगे, उसके बाद राजपूत हैं और भूमिहार बहुत कम है, ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। अगर सवर्णों के दृष्टिकोण से देखा जाए 17% सवर्ण वोटर भी आपको सीतामढ़ी में मिलेंगे, 17%। तो ये हो गया जाति समीकरण। और इन सब के अलावा अब आपका जो सवाल है कि सीट किसको जाएगा, कि सीट जाना किसको है। देखिए सीतामढ़ी को लेकर इस बार लड़ाई बहुत भयंकर होगा। सीतामढ़ी सीट को लेकर पार्टियों में ही कलह पहले मचेगा। हम पहले महागठबंधन पर चर्चा कर लेते हैं कि महागठबंधन से किन किन का नाम चल रहा है। देखिए महागठबंधन से सिर्फ दो नामों पर चर्चा है, और सबसे प्रमुखता से जिनका नाम आरजेडी में चल रहा है वो जदयू से सांसद रहे हैं 2009 में, अर्जुन राय, एक टर्म एमपी रह चुके हैं और अब वो आरजेडी में है, राजद में है। तो उनका नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है, क्योंकि सीतामढ़ी राजद ही लड़ेगी। सीतामढ़ी ना वाम को जाएगा और ना कांग्रेस को जाएगा, तो अर्जुन राय सबसे पहले नंबर में है रेस में, जो सीतामढ़ी से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। यादव जाति से आते हैं और उनका लगभग फाइनल है कि वही लड़ेंगे। इनके अलावा एक और नाम है, एक और नाम है कि अगर बीजेपी इस बार वहां पर किसी यादव को उतारती है, वैसे स्थिति में सुनील कुशवाहा का नाम भी चल रहा है। हाँ, बहुत चर्चित नेता नहीं है क्षेत्र के, लेकिन 2015 से 2020 के बीच वो सीतामढ़ी विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं आरजेडी सिंबल पे, और सुनील कुशवाहा का नाम भी महागठबंधन की तरफ से चर्चा में है कि सुनील कुशवाहा को भी इस बार सीतामढ़ी से टिकट दिया जा सकता है। ये एक संभावित नाम पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रमुखता से जिनका नाम चल रहा है महागठबंधन में वो अर्जुन राय है। तो ये तो महागठबंधन में गुणागणित है, सीधा गुणागणित है, लेकिन पेच फंसा हुआ है एनडीए में। अब एनडीए में आप खेल समझिए, अगर आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को गौर करिए, उनके सोशल एक्टिविटीज को देखिए, तो सीतामढ़ी में बड़ी दावेदारी की जा रही है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से। माधव आनंद जो है वो वहां पर कैंप छावनी डालकर बैठे हुए हैं। पहले लोकसभा स्तर पर तैयारी था, अब विधानसभा स्तर पर भी तैयारी चल रहा है। माधव आनंद जो है, और उपेंद्र कुशवाहा का दौरा भी लगातार सीतामढ़ी होते रहता है, तो सीतामढ़ी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और प्रबल दावेदारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीतामढ़ी का नाम अमित शाह के सामने भी रखा कि सीतामढ़ी हमको चाहिए, लेकिन उस मांग का जवाब बीजेपी ने क्या दिया। अभी 3-4 दिन पहले राजनाथ सिंह का दौरा हुआ सीतामढ़ी का, राजनाथ सिंह ने वहां पर स्पष्ट तौर से कहा, मंच से भी कहा, मीडिया में भी कहा कि सीतामढ़ी में इस बार कमल ही खिलेगा। और सीतामढ़ी का एक और बजा लीजिए, सीतामढ़ी में आज तक बीजेपी चुनाव कभी लड़ी ही नहीं है, ये भी एक खुद में रिकॉर्ड है। बिहार के कुछ सीट है जहां पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं लड़ी, जैसे मुंगेर कभी नहीं लड़ी, जहानाबाद कभी नहीं लड़ी है, उसी तरीके से सीतामढ़ी भी एक सीट है जहां पर बीजेपी कभी चुनाव ही नहीं लड़ी है आज तक, हारना जीतना छोड़िए। तो इस बार वो सभी सीटें जहां पर बीजेपी कभी नहीं लड़ी है, चाहे वो जहानाबाद हो, मुंगेर हो, सीतामढ़ी हो, इन तमाम सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। नवादा भी इस बार बीजेपी लड़ेगी, देखिएगा इस बार नवादा भी बीजेपी लड़ेगी। तो सीतामढ़ी में एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के माधव आनंद घूम रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। अब बीजेपी का आपका जवाब मैंने बताया कि बीजेपी से राजनाथ सिंह जब कहकर गए यहां से कि हमारा ही कमल खिलेगा यहां पर, एक और बात बता रहे हैं आपको, बिहार का हर वो लोकसभा सीट जहां पर कोई बड़ा नेता आ रहा है, राजनाथ सिंह हुए, अमित शाह हुए, जेपी नड्डा हुए, या खुद नरेंद्र मोदी, आज औरंगाबाद और बेगूसराय में है, 6 मार्च को बेतिया में है, जिन जिन सीटों पर ये नेता का दौरा हो रहा है, आप मानकर चलिए कि वो सीट बीजेपी लड़ने जा रही है। और बीजेपी बिहार में इस बार 2 दर्जन सीटों पर कम से कम लड़ेगी, उससे अधिक हो सकता है संख्या, 24 से कम नहीं होगा संख्या, जान लीजिए।
लेकिन सवाल ये है कि राजनाथ सिंह आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर कमल खिलेगा, उधर देवेश चंद ठाकुर जो हैं अलग डेरा जमाए बैठे हुए हैं, एनडीए में दोनों हैं। क्या नीतीश कुमार ने एक स्ट्रेटजी बना के, एक रणनीति बना के देवेश चंद ठाकुर को खड़ा किया है कि देवेश चंद ठाकुर का जो हाव भाव रहा है, जो स्वभाव रहा है, वो हर एक पार्टी और हर एक नेताओं के साथ अच्छा रहा है और अभी विधान परिषद के जो है वो सभापति भी हैं, तो क्या नीतीश कुमार का स्ट्रेटजी था कि देवेश चंद ठाकुर के नाम को लेकर किसी कोई भी पार्टी कोई भी नेता जो है वह इस चीज़ को लेकर विरोध नहीं करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि बीजेपी, हम आते हैं नीतीश कुमार पर, मैं बीजेपी इस बार कम से कम 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शुभम, सीतामढ़ी में वो चुनाव लड़ेगी इस बार। अब देवेश चंद ठाकुर को अगर लड़ना है तो उनको बीजेपी के सिंबल पर आना पड़ेगा। सुनील कुमार पिंटू का पहले से ही सेटिंग चल रहा है, कई बार उन्होंने जदयू का सांसद होने के बावजूद जब महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, उस वक्त भी वो नरेंद्र मोदी की तारीफ किया करते थे। तो सुनील कुमार पिंटू तो अपना फील्डिंग सेट कर लिए हैं, लेकिन एक खबर ये भी आता है बार बार कि सुनील कुमार पिंटू जो है वो सिवहर मूव कर सकते हैं। रामादेवी का टिकट कटने वाला है और वैसे बाहुल क्षेत्र है सिवहर, कहा जाता है राजपूत बाहुल्य, लेकिन वहां पर सबसे अधिक वोटर्स वैसे जाति के ही हैं। तो हो सकता है कि सुनील कुमार पिंटू जो है वो सिवहर मूव कर जाए, बीजेपी के ही सिंबल पर चुनाव लड़े। हालांकि वहां से राणा रणधीर का नाम भी चल रहा है सिवहर से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सुनील कुमार पिंटू भी एक एक प्रत्याशी है सिवहर के लिए। अब बचा बात जेडीयू के अंदर, देवेश चंद्र ठाकुर अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं, जो आपका सवाल है कि क्या नीतीश कुमार ने किसी रणनीति के तहत देवेश चंद्र ठाकुर का नाम बोला, और नीतीश कुमार खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर वहां से लड़ेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण है, आज तक ब्राह्मण सीतामढ़ी से नहीं जीता है, आज तक ऑन रिकॉर्ड। तो हो सकता है कि इस बार तख्ता पलट हो, यादवों का जो सीट रहा पारंपरिक सीतामढ़ी, उस पर कुशवाहा जीते, वैसे जीते 2014 2019 में, और 2024 में हो सकता है कि वो सीट एक ब्राह्मण नेता जीते जिसको टिकट मिलेगा एनडीए की तरफ से। अब वो बीजेपी की तरफ से मिलेगा कि जेडीयू की तरफ से, इस पर चर्चा हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो बीजेपी के सिंबल पर ही लड़े। और कई सीटें होंगी, आप देखिएगा, हम नवादा पर भी चर्चा किए थे तो हमने कहा था कि डॉक्टर अरुण कुमार जो है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हो सकता है कि बीजेपी के सिंबल पर नवादा लड़ जाए। बीजेपी इस बार कई दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने सिंबल पर चुनाव लड़वा सकती है, इस बात से इनकार हम नहीं करेंगे। तो सीतामढ़ी में जो अभी गुणागणित बैठ रहा है वो यही है कि महागठबंधन की तरफ से दो नाम, सबसे प्रमुखता से अर्जुन राय, दूसरा सुनील कुशवाहा, और एनडीए की तरफ से एक नाम, सबसे बड़ा नाम जो उभर कर सामने आ रहा है वो देवेश चंद्र ठाकुर का ही नाम आ रहा है। और पूरा जिला, आप तो दरभंगा के हैं भी, सीतामढ़ी के, आपके आपके जिला में आप जाकर देखिए, लोकसभा में सभी जगह पोस्टर बना छपा हुआ है कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है हमको। अच्छा, एक और सवाल दर्शकों के मन में होगा कि एक तरफ यादवों की बहुलता है सीतामढ़ी में, एक तरफ महागठबंधन से यादव कैंडिडेट भी हैं, और एक तरफ से अगर देवेश ठाकुर लड़ते हैं तो ब्राह्मण कैंडिडेट हो जाएंगे, तो क्या लगता है टक्कर जो है कांटे की होगी नरेंद्र मोदी के लहर में? एक तरफ यादव कैंडिडेट भी और महागठबंधन भी, तो टक्कर कैसा किस प्रकार का देख रहे हैं सीतामढ़ी में? जो लड़ाई होगा देखिए, लोकसभा में बहुत जातीय लड़ाई नहीं हो पाता है, बहुत जातीय समीकरण साधने का लोकसभा में कोई मतलब भी नहीं होता है। लोकसभा में जो वोटिंग, जो मतदाता वोट करते हैं वो देश को ध्यान में रखकर करते हैं, दिल्ली को गद्दी में रखकर करते हैं, वहां पर स्थानीय मुद्दे बहुत काम नहीं आते हैं, स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। आप देखिए ना, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी का जो रेल लाइन है वो अर्जुन राय के समय में बिछाया गया, जो जानकारी हम तक आई कि उसी से उनके टेन्योर में बहुत काम किया गया, लेकिन वही 2014 में और 2019 में हार गए, कहाँ जीत पाए। तो वो फैक्टर काम नहीं करता है। जब देश का वजीर चुनना होगा, देश का नायक को चुनना है, प्रधानमंत्री को चुनना है, तो उस समय जातीय मुद्दा तो गौण हो जाता है। बिहार यूपी जैसे इलाकों में, यहाँ विधानसभा में भारी पड़ता है, विधानसभा में मुस्लिम दलित यादव अति पिछड़ा सब होते रहता है, लेकिन लोकसभा में लड़ाई दूसरे स्तर पर होती है। फिर भी लड़ाई कांटे की होगी इस बार, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत आकर्षक रहा है, बहुत मजबूत रहा है। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव जो सरकार से गए हैं, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी को सरकार से बाहर करके एक फायदा जरूर दे दिया कि जो यादव वोट में थोड़ा बिखराव था उसे एकत्रित कर दिया नीतीश कुमार ने। तो यादव का जो 20% और 17% मुस्लिम का मत है वो एक मुश्त महागठबंधन के प्रत्याशी को जाएगा, चाहे वो सुनील कुशवाहा हो या फिर अर्जुन राय हो, वो एक मुझ जाएगा। और इसीलिए कांटे की टक्कर इस बार सीतामढ़ी में जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो सीतामढ़ी लोकसभा में कांटे की टक्कर होने वाली है, कई प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकी है। देवेश चंद ठाकुर है एनडीए से, तो माधव आनंद एनडीए से हैं, सुनील कुमार पिंटू जो हैं वह भी एनडीए से हैं, और इधर महागठबंधन से अर्जुन राय का नाम सामने आ रहा है, तो एक तरफ संतोष कुशवाहा का भी जो है नाम सामने आ रहा है। तो आपके अनुसार सीतामढ़ी लोकसभा में कौन प्रत्याशी फिट बैठेगा, किस प्रत्याशी की जीत होगी, कैसी टक्कर होगी, आपके मन में जो है वो भी हमारे साथ साझा आप कर सकते हैं। धन्यवाद।